वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज यमा आर्या एंड यू आर वाचिंग यमास वर्ल्ड। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक और नवरात्रि गरबा लुक लेके। तो गरबा लुक लेके मींस नवरात्रि गरबा मेकअप लुक लेके। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं पूछ सकती हूँ मेरे गिव अवे का क्वेश्चन, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज का जो मेकअप लुक होने वाला है वही बेस तो हमारा सेम रहता है एज यूजुअल, कुछ भी उसमें ऐसा हम चेंज नहीं करते हैं ज्यादातर। कभी ये होता है कि हम लोग कंसीलर यूज करते हैं, कभी नहीं करते हैं, लेकिन आप करना चाहें तो मतलब कर सकते हैं, रोज यूज कीजिए। लेकिन मेरी मानिए तो जितना कम हो सके उतना मेकअप प्रोडक्ट्स आप अपने फेस पे लगाया करिए। लाइक आप कहीं जा रहे हैं तो ही, मतलब कोई अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम फंक्शन है तो ही सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए, नहीं तो एक हाई कवरेज का फाउंडेशन ही काफी होता है। फाउंडेशन लगाने से पहले हमेशा अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, मॉइस्चराइजर लगा लीजिए और एक अच्छा सा प्राइमर जरूर लगाइए। उसके बाद में आपकी चॉइस है कि आपको कंसीलर लगाना है कि डायरेक्ट आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। तो आज का जो आई मेकअप लुक है वो भी फ्रेंड्स में हमेशा की तरह लाइक इजी ही रखूंगी, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि सेम एक ही जैसा कर करके तो कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैं चेंजेस करती हूँ, लेकिन उस हिसाब से करती हूँ कि अगर कोई बिगनर मेरी वीडियो देख रहा है या जिनको मेकअप करना नहीं आता है तो उनके लिए वो बहुत ईजी हो। तो मैंने अपना बेस ऑलरेडी तैयार कर लिया है, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। फ्रेंड्स, तो आज आई मेकअप के लिए मैं यूज करूंगी मेरा एनके का आई शेडो पैलेट। आप लोग भी देखिए मिलते जुलते कलर वाला ही पैलेट लीजिए, तभी वो लुक आ पाएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो भी कलर आपके पास हो आप उसको यूज कर लीजिए। तो इस पैलेट में से फ्रेंड्स मैं आज मैं सबसे पहले ये वाला शेड यूज करूंगी, थोड़ा सा ये मेटेलिक में है, लाइक ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बहुत मामूली सा है तो चल जाएगा। तो आज मैं ये वाला शेड पिक करूंगी। अच्छा फ्रेंड्स, ये वाला शेड है ये थोड़ा सा डार्क है, तो आप हमेशा की तरह कॉर्नर से ही शुरू कीजिए। बोलते बोलते थोड़ा सा भूल गई मैं, ठीक है। तो आप लोग ना कॉर्नर की तरफ से स्टार्ट करिएगा। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने दोनों ही आंखों पे लगा लिया है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब इसमें से मैं ये येलो वाला शेड अपने इनर कॉर्नर्स में फिल कर लूंगी। तो इतना करने के बाद में फ्रेंड्स अब मैं क्या यूज करूंगी, मेरा स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो। इसका फुल डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा जो शेड है, जो शेड मैं यूज करने वाली हूँ वो है गॉड गॉडेस। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में ये वाला आई शेडो नहीं है, लाइक ऐसा लिक्विड आई शेडो नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपने आई शेडो पैलेट में से कोई भी गोल्डन कलर पिक कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पैलेट में गोल्डन शेड भी नहीं है तो आपके पास कोई हाइलाइटर होगा, अब वो भी या तो फिर येलो टिंट में होगा या पिंकिश में होगा, है ना, कोई तो होगा, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अब ये वाला जो आई शेडो है फ्रेंड्स, ये हमको हमारे कट क्रीज एरिया तक लगाना है, ठीक है। मींस ये जो हमारी क्रीज लाइन होती है, कर्व लाइन होती है आंख की, वहां तक हमें अप्लाई करना है और नीचे तक पूरे में अप्लाई कर देना है अच्छे से। हम लोग फिर से ना ये वाला येलो शेड ले लेंगे और ना इधर ऊपर की तरफ ना ब्लेंड कर देंगे अच्छे से, जो हमारा ये वाला शेड है ऊपर की तरफ, इसके साथ में वो येलो कलर के शेड को हम ब्लेंड कर देंगे।
अब हम लोग ये वाला शिमर शेड यूज कर लेंगे और कट क्रीज एरिया में बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देंगे इस गोल्डन आई शेडो के साथ में। तो अब हम लोग यूज करेंगे हमारा आईलाइनर। तो चलिए देखिए मैं आईलाइनर कैसे अप्लाई करती हूँ। तो अब सबसे पहले हम लोग बाहर की तरफ ना विंग बना लेंगे, ठीक है? चलिए बनाइए। अब हम अंदर की तरफ से या बीच में से शुरू करके आईलाइनर को बाहर यहां तक एंड तक इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब इतना ये करने के बाद में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास ये येलो कलर का आईलाइनर है, आपके पास में जो भी कलर का आईलाइनर हो आप इसको ना इस कलर से फिल कर दीजिए। अब मैं क्या करूंगी, ऑफ कैमरा ये वाला आई लुक भी कंप्लीट करके आती हूँ और आईलैशेस लगा के आती हूँ। तो इतना करने के बाद में फ्रेंड्स आप अपने इस काजल वाली जगह पर ना आई शेडो भी लगा सकते हैं। आप ऑरेंज कलर, येलो कलर और ब्राउन कलर, कोई भी कलर लेके फिल कर दीजिए उसको, आंख के अंदर ना जाए इतना ध्यान रखिएगा। मैं एक कर चुकी हूँ, दूसरी करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यूज कर लेंगे हमारा काजल। तो चलिए काजल अप्लाई करते हैं और आप चाहे तो आज थोड़ा सा ना थिक काजल भी लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा। क्योंकि हमने ऊपर आज ना ब्लैक आईलाइनर इतना ज्यादा थिक नहीं लगाया है क्योंकि हमने येलो कलर फिल किया है, तो इसलिए हम आज काजल थोड़ा सा थिक लगा लेंगे। मैंने अपना काजल कंप्लीट कर लिया है, ब्लश भी लगा लिया है। ब्लश आप अपने चॉइस से कोई भी शेड लगा सकते हैं। अब मैं लगा लूंगी मेरा हाइलाइटर जो कि हाफ एंड हाफ का है, तो आपके पास जो हाइलाइटर हो आप लोग वो लगा लीजिए। मैंने मेरा हाइलाइटर कंप्लीट कर लिया है लगा के, लिपस्टिक भी लगा ली है, लेकिन मैं इस शेड के ऊपर अपना ये ब्राउन कलर का शेड थोड़ा सा अप्लाई कर लूंगी इसको थोड़ा सा डार्क लुक देने के लिए। तो ऑलमोस्ट मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए मिलते हैं फाइनल लुक के साथ। अच्छा लगा हो। आज मैंने थोड़ा सा बड़ा मांग टीका पहना है इसीलिए अपना नेक पे सिंपल और सटल रखा है।
अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पे बेल आइकन होगा प्लीज उसको भी हिट कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस ड्रेस का रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे बहुत जल्दी आने वाला है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए यामास वर्ल्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।